आज कोटा के लिए बहुत बड़ा शुभ अवसर है। जब कोटा जो श्रेष्ठ नगरी है, पर्यटन नगरी है, जहां मुकंदरा का नेशनल पार्क है, व्यापारिक औद्योगिक केंद्र है, उस कोटा से सवाई माधोपुर जो विश्व प्रसिद्ध हमारा देश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जहां देशी विदेशी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर हम सबका धार्मिक स्थल, गणेश जी का मंदिर जो हर शुभ काम के लिए हम जिसकी शुरुआत गणेश जी की मंदिर से करते हैं, वह आध्यात्मिक का मंदिर भी है। और इसीलिए कोटा और सवाई माधोपुर के बीच में ये चलने वाली ट्रेन हमें आध्यात्मिक और पर्यटन से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होगी। और इससे आने वाले समय के अंदर कोटा और सवाई माधोपुर के पर्यटक, धार्मिक पर्यटक भी और वन अभयारण्य देखने वाले पर्यटन भी, दोनों का जुड़ाव भी इस ट्रेन के माध्यम से होगा। और कोटा सवाई माधोपुर जो नित्य प्रतिदिन डेली अप डाउन करते हैं, अपनी सरकारी निजी उद्योग व्यापार छोटे कामगार के रूप में, उनके लिए ये ट्रेन बहुत कारगर साबित होगी। आज मुझे खुशी है कि ये ट्रेन जो रवाना हो रही है, आने वाले समय के अंदर जब डेढ़ साल बाद आप इस कोटा के स्टेशन को देखोगे, इसकी भव्यता के स्वरूप को देखोगे, तो आपको दुनिया और देश के बढ़िया एयरपोर्टों की तरह कोटा का ये रेलवे स्टेशन भी उसी तरीके का रेलवे स्टेशन नजर आएगा। ये रेलवे स्टेशन और हमारा डकरिया रेलवे स्टेशन जो सैटेलाइट के रूप में है, वहां भी 132 करोड़ रुपए से, और जैसा डीआरएम साहब ने बताया 288 करोड़ रुपए से, दोनों लागत से इसका काम शुरू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम की शुरुआत कर दी है, बहुत जल्दी ये काम पूरा होगा। और आने वाले समय में कोटा एक ऐसा स्टेशन है जो दिल्ली और बंबई के बीच का रेलवे स्टेशन है। यहां पर आने वाले समय में दिल्ली बंबई के बीच में, कोटा दिल्ली के बीच में और कई सारी ट्रेनें जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, उन ट्रेनों की शुरुआत भी बहुत जल्दी होगी, ताकि हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाए। रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी एक बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में होगा, और समय बदलेगा तो आने वाले समय में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी जल्दी शुरू होगी, ताकि हम जितना संसाधन बेहतर होगा उतनी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, उतने व्यापार उद्योग रोजगार की बढ़ोतरी होगी। आप सबको आज की मेमो ट्रेन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, रेल प्रशासन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने रेल प्रशासन से आग्रह किया है कि इस ट्रेन का टाइम वो चेंज करने के लिए कहा है, ताकि और सुविधाजनक स्थिति से लोगों को ये ट्रेन मिल जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।